पिछली क्लास में पाषाण काल का विभाजन देखा था। पाषाण काल के अंतर्गत हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा था। उसके बाद अगला विभाजन जो हम लोगों ने किया, अगले विभाजन के अंतर्गत हम लोगों ने पूरा पाषाण काल का विभाजन किया। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि इसे भी लार्सेन महोदय ने 3 भागों में बांट दिया था। निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक देखा था। आज की क्लास में हम लोग निम्न एवं पूर्व पूरा पाषाण काल के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत जो 3 संस्कृतियाँ जन्मी उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ठीक मित्रों, हम लोग तो शुरू करते हैं। और इसके पहले हम आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि हम जो वीडियो बना रहे हैं अभी तो शुरुआती दौर है हम लोगों का, तो कमेंट में कम से कम इतना बता दिया करिए कि हम हमारे में कहाँ कमी है ताकि हम सुधार करके और बेहतर कर सकें। आपको आपके आपके पास हम लोग अच्छे से अच्छे मैटर और वीडियो दे सकें ताकि आप लोग इसे लाभ उठा सकें और हमारा भी मोटिवेशन होता रहे। तो हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं कि निम्न एवं पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत जो जो संस्कृतियां जन्मी हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी खोज किसने की, उसमें कौन कौन से औजार मिले हैं, किन किन देशों के अंतर्गत हैं वो लोग, वो संस्कृतियां हैं, किन नदियों के किनारे वो बसी हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है निम्न एवं पूर्व पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियां, क्या इसमें है? निम्न एवं पूर्व पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियां, इसके अंतर्गत आज थोड़ा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और हम कोशिश करेंगे जितना भी आपका इतिहास है, भारतीय इतिहास से संबंधित, चाहे प्राचीन हो चाहे मध्य हो या फिर आधुनिक इतिहास हो, भारतीय इतिहास हो, उसे हम जितने भी आपके महत्वपूर्ण पूरा स्थल आएंगे, स्थान आएंगे, उसे हम भारतीय मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर समझ सकें। जैसे आज हम लोग उसे करीब पहला जो मानचित्र बनाए हैं तो निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित जो 3 संस्कृतियां जन्मी हैं उनमें एक है सोहन संस्कृत, एक है सोहन संस्कृत, कौन सी संस्कृत है, एक है सोहन नदी घाटी संस्कृत। सोहन नदी घाटी संस्कृत ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में, थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान, पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के, सिंधु नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी, ठीक, सहायक नदी, ये सहायक नदी है, ठीक, सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसके बाद जो दूसरी संस्कृत भारत, ये तो पाकिस्तान में जन्मी थी। उसके बाद जो दूसरी संस्कृत है निम्न एवं पूरा पाषाण काल से संबंधित, वो आपकी नर्मदा संस्कृत, नर्मदा संस्कृत, ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद इस काल से संबंधित जो तीसरी भारत में संस्कृत जन्मी, जो भारत में तीसरी संस्कृत जन्मी वो मद्रास संस्कृत है। ये मद्रास संस्कृत ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक। अब इसके अंतर्गत हम लोग अभी एक एक करके तीनों संस्कृत, पहले सोहन संस्कृत, इसे चौपर चौपिन संस्कृत भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे नर्मदा नदी घाटी संस्कृत, इसको जानेंगे। उसके बाद हम मद्रास संस्कृत जो तमिलनाडु में है इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं सोहन संस्कृत। सोहन संस्कृत, सोहन संस्कृत को चापर चौपिंग पेबुल संस्कृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक प्रश्न पूछा जाता है कि चापर चौपिंग संस्कृत या पेबुल संस्कृत संबंधित है किस सभ्यता से या किस संस्कृत से?
आपका सोहन संस्कृत है। ठीक, अब इसमें पहला पॉइंट अगर देखें तो कि सोहन संस्कृत पाकिस्तान के सिंधु घाटी, सिंधु नदी घाटी की सहायक नदी सोहन नदी कौन सी नदी है, आपकी सोहन नदी है। ठीक, घाटी से औजार मिले हैं, क्या मिले हैं, औजार मिले हैं, औजार मिलने के कारण विद्वानों ने इसे सोहन संस्कृत नाम दिया है, विद्वानों ने इसे सोहन संस्कृत नाम दिया है। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर 1928 का जब समय आता है, 1928 में एक विद्वान है डीएन वाड़िया, डीएन वाड़िया विद्वान है, डीएन वाड़िया इन्होंने 1928 में पूर्व पुरापाषाण काल के साक्ष्य सोहन नदी घाटी संस्कृत से प्राप्त किए। कहाँ से प्राप्त किए, सोहन नदी घाटी संस्कृत से प्राप्त किए। उसके बाद देखते हैं 1930 का जब समय है, तो यहाँ पे एक विद्वान है, एक पुरातत्ववेत्ता है, के यू आर टॉड इन्होंने सोहन नदी घाटी का सर्वेक्षण किया, सोहन नदी घाटी का सर्वेक्षण किया, और पिंडी घेव एक स्थान है, पिंडी घेव एक स्थान है, वहां से तमाम प्रकार के उपकरण प्राप्त किए। ठीक, उसके बाद देखते हैं सोहन नदी घाटी से जो औजार मिले हैं वो कौन कौन से औजार हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर इसे वह उस औजार के नाम पर उस संस्कृत का नाम भी पड़ गया। तो इसके अंतर्गत देखिए पहला जो औजार मिला वो चापर है, चापर। उसके बाद दूसरा है चौपिंग, तीसरा औजार पेबुल है, और चौथा हस्तकुठार औजार। ठीक, अब जो चापर है सोहन नदी घाटी के अंतर्गत है, ठीक, यहाँ का महत्वपूर्ण औजार है, इसकी क्या विशेषता है, जो चापर है एक का एक कैसा औजार है, यह एक धार वाला औजार है, चॉपर एक धार वाला औजार है। जैसे कोई भी औजार होगा, जैसे आपका हंसिया हुआ, उसमें एक ही धार होता है, एक ही बगल धार होता है। ठीक, और उसके बाद जो चॉपिंग औजार है ये द्विधारी है, कौन सा है, ये द्विधारी, ठीक, ये द्विधारी वाला औजार है, मतलब इसपे इधर भी धार है और इधर भी धार है, मतलब यह औजार जो चॉपिंग औजार है ये द्विधारी है, जो चॉपिंग है, जो चापर है चापर में एक धार है, मतलब उसमें अगर ऊपर धार है तो नीचे धार नहीं है। ठीक, लेकिन जो चॉपिंग है इसमें ऊपर भी धार है और इसके नीचे भी धार है। ठीक, उसके बाद देखते एक जो पेबुल है, जो पेबुल नामक औजार है ये गोल मटोल है, जो पेबुल नामक औजार है ये गोल मटोल है, जिसका उस समय का मानव प्रयोग में लाता था। ठीक, उसके बाद हस्तकुठार को हाथ की कुल्हाड़ी भी कहा जाता है। ये जो चार महत्वपूर्ण औजार हैं, ये औजार सोहन नदी घाटी संस्कृत जो पाकिस्तान में है, सिंधु की सहायक नदी है, वहां से ये चारों औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे अगला पॉइंट देखते हैं, डीएन वाड़िया द्वारा खोजी गई हस्तकुठार इसकी खोज किसने की थी, डीएन वाड़िया द्वारा खोजी गई हस्तकुठार भारत की सर्वप्राचीन हाथ की कुल्हाड़ी है, सर्वप्राचीन हाथ की कुल्हाड़ी है। ये आपकी जो हस्तकुठार है इसकी खोज किसने की थी, डीएन वाड़िया ने इस हस्तकुठार की जो हाथ की कुल्हाड़ी है खोजी, यह भारत की सबसे प्राचीन हस्तकुठार है, इसके पहले भारत में और कहीं भी इसके पहले का साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद देखते हैं चॉपर चॉपिंग और पेबुल औजार अधिक मात्रा में पाए गए इस संस्कृत से, इस नदी घाटी से जो चॉपर चॉपिंग और पेबुल संस्कृत है इससे संबंधित जो औजार है काफी बड़ी मात्रा में पाया गया, इसीलिए इस सोहन नदी घाटी सोहन संस्कृत को हम चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृत नाम भी देते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने इसको सोहन नदी घाटी संस्कृत को देख लिया। उसके बाद अगली जो संस्कृत है वो कहाँ जन्मी, मद्रास में, किस नदी के किनारे जन्मी है, मद्रास, ओ सॉरी नर्मदा
नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत यह है संस्कृत जन्मी, जो कहाँ पे है, मद्रास में है। अब इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मानचित्र यहाँ पे इसको एरो लेके गए हैं। यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे है, नर्मदा संस्कृत कहाँ पे है, मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद। होशंगाबाद में नर्मदा नदी घाटी स्थित है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक नदी बहती है जो है नर्मदा नदी। उसी घाटी में एक विद्वान है, पुरातत्ववेत्ता है अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया ने 1982 ईस्वी में नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत एक स्थान है हथनौरा, एक स्थान है हथनौरा, जहां से 14 लाख ईसा पूर्व का मानव की खोपड़ी प्राप्त किया। ये प्रश्न बहुतों बार पूछा गया है कि मानव की खोपड़ी का साक्ष्य सबसे प्राचीन कहाँ प्राप्त हुआ भारत में, तो आपका हथनौरा नामक स्थान से। कब प्राप्त हुआ, 1982 ईस्वी में। किसने खोजा, अरुण सोनकिया ने खोजा। कितने लाख ईसा पूर्व खोजा, 14 लाख ईसा पूर्व का साक्ष्य है। ये कहाँ मिला, नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत मिला। किस जिले में स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। नर्मदा संस्कृत कहाँ पे है, किस जिले किस प्रदेश में है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में पाया गया सबसे प्राचीन साक्ष्य, ये जो आपका मानव की खोपड़ी है जो अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया है, ये भारत में पाया गया सबसे प्राचीन साक्ष्य है। उसके बाद देखते हैं, यही हथनौरा नामक स्थान से जो नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, यहाँ से एक और महत्वपूर्ण चीज मिली है। वो क्या है, सबसे प्राचीन, ये भी नहीं भारत में नहीं, पूरे विश्व की बात की जाए, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम हाथी का अवशेष मिला है। क्या मिला है, पूरे विश्व में सबसे प्राचीन अगर हाथी का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत जो हथनौरा नामक स्थान है, वहां से हाथी के अवशेष मिला है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगली संस्कृत जो है, अगली संस्कृत आपकी मद्रास है। अगली संस्कृत जो आपकी मद्रास है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब आगे देखते हैं, तमिलनाडु में एक नदी है कोरतयाल, एक नदी है कोरतयाल। कौन सी नदी है, कोरतयाल, कोरतयाल नदी घाटी। कोरतयाल नदी घाटी में एक विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट वहां पे जाते हैं। वहां पे कब गए, 13 जुलाई 1863 ईस्वी। कब गए, 13 जुलाई 1863 ईस्वी में गए। वहां पे जाने के बाद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में सबसे पहले मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से हाथ की कुल्हाड़ी को खोजा। रॉबर्ट ब्रूस फुट 13 जुलाई 1863 ईस्वी को तमिलनाडु के कोरतयाल नदी घाटी में जाते हैं और भारत जाते हैं। वहां पे एक स्थान मद्रास में एक पल्लवरम नामक स्थान है, वहां से क्या प्राप्त करते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी। क्या प्राप्त करते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी। सबसे पहले हाथ की कुल्हाड़ी रॉबर्ट ब्रूस फुट मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर जाते हैं। ठीक, और 13 जुलाई 1863 में एक हाथ की कुल्हाड़ी खोजते हैं। उसके बाद उनके मित्र आते हैं, उनके मित्र विलियम किंग, उनके मित्र हैं विलियम किंग, वो भी मद्रास जाते हैं। मद्रास में एक स्थान है अतिरम्पक्कम। कौन सा स्थान है, अतिरम्पक्कम। अतिरम्पक्कम गए उस स्थान पर। उसके बाद एक स्थान है बादम दुरई। इन दोनों स्थानों से, मद्रास में जो दोनों स्थान स्थित हैं, अतिरम्पक्कम और बादम दुरई, इस स्थान से हंडैक्स इन्होंने प्राप्त किया। हंडैक्स का मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। ठीक, उसके बाद देखते हैं मद्रास संस्कृत के अंतर्गत अधिक संख्या में हंडैक्स मिला है
मद्रास संस्कृत के अंतर्गत हंडैक्स जो हाथ की कुरवाली है काफी मात्रा में मिला है, इसीलिए मद्रास संस्कृत को हंडैक्स संस्कृत भी कहा गया। ठीक, मद्रास संस्कृत को हंडैक्स संस्कृत नाम दिया गया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे औजार क्या क्या मिले हैं। औजार की बात कर लें, एक औजार है क्लीवर, एक औजार है क्लीवर जिसे हम बिदारड़ी भी कहते हैं। ठीक, क्लीवर नामक औजार को एक अन्य नाम देते हैं बिदारड़ी, बिदारड़ी। उसके बाद दूसरा है, दूसरा औजार स्क्रेपर है जिसे हम खुरचनी कहते हैं। एक दूसरा है स्क्रेपर जिसे हम खुरचनी कहते हैं। ठीक, ये जो आपका क्लीवर नामक औजार है आयताकार है और चौड़ा औजार था। कैसा औजार था? आयताकार और चौड़ा औजार। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं एक पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण और है, आपका जो इलाहाबाद मेजा तहसील है उसके अंतर्गत एक नदी घाटी है बेलन नदी घाटी। उसके अंतर्गत एक नदी है बेलन नदी घाटी, वहां एक नाला नामक स्थान है लोहदा नाला, लोहदा नाला स्थान है। वहां से हड्डी की निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है, इससे अस्थि निर्मित। अस्थि निर्मित का अर्थ क्या है? हड्डी से निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है। वो आज कहाँ है? आज भी सुरक्षित है, उसे कौशाम्बी के एक संग्रहालय में रखा गया है। तो मित्रों यहाँ पे एक समाप्त होता है, तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि निम्न एवं पूर्व पुरापाषाणकालीन संस्कृतियों के अंतर्गत जो तीन संस्कृतियां जन्मी, वो पहली संस्कृत सोहन नदी सोहन संस्कृत जिसे हम चौपर चौपिंग केबुल संस्कृत कहते हैं, दूसरी जो संस्कृत है नर्मदा संस्कृत है, उसके बाद जो तीसरी संस्कृत है एक मद्रास संस्कृत है। पहली संस्कृत कौन सी है? सोहन संस्कृत या चौपर चौपिंग केबुल संस्कृत, दूसरी संस्कृत नर्मदा संस्कृत, तीसरी संस्कृत मद्रास संस्कृत। अब सोहन नदी घाटी जो सिंधु की सहायक नदी है, इसके अंतर्गत जो जो चीजें मिली हैं, किसने खोज की उसको देख लेते हैं। सोहन संस्कृत जो पहला पॉइंट है कि पाक के सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन नदी घाटी के औजार मिले हैं, विद्वानों ने इसीलिए इसे सोहन संस्कृत नाम दिया है। 1928 में डी अनवारिया महोदय ने पूर्व पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त किए। उसके बाद देखते हैं 1930 में KUR कर्नल डॉड ने सोहन नदी घाटी युग स्थान है पिंडी घेप से उपकरण प्राप्त किए। उसके बाद सोहन नदी घाटी के जो महत्वपूर्ण औजार हैं उसमें एक चापर है जो एक धार वाला औजार है, जो चापर है एक धार वाला औजार है, जो चॉपिंग है वो द्विधारी औजार है। उसके बाद जो पेबुल है वो गोल मटोल औजार है, जो पेबुल है वो गोल मटोल औजार है, जो पेबुल है वो गोल मटोल औजार है। उसके बाद हस्त कुठार अर्थात हाथ की कुल्हाड़ी वो है। उसके बाद देखें डीएन वाड़िया द्वारा खोजी गई हस्त कुठार भारत की सबसे प्राचीन हाथ की कुल्हाड़ी है। क्या है? भारत की खोजी गई सबसे प्राचीन हाथ की कुल्हाड़ी है। उसके बाद देखते हैं कि चौपर चौपिंग पेबुल संस्कृत अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसे चौपर चौपिंग संस्कृत भी कहा जाता है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश में जो दूसरी संस्कृत जन्मी वो नर्मदा संस्कृत है, मध्य प्रदेश में जन्मी जो दूसरी संस्कृत है वो नर्मदा संस्कृत है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के का एक जिला है होशंगाबाद, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत एक नदी बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के अंतर्गत 1982 ईस्वी में आरूढ़ सुनकिया जाते हैं हथनौरा नामक स्थान पर 14 लाख ईसा पूर्व, हथनौरा नामक स्थान पर 14 लाख ईसा पूर्व एक मानव की खोपड़ी प्राप्त करते हैं जो भारत में पाया गया सबसे प्राचीन अवशेष है। भारत में पाया गया सबसे प्राचीन अवशेष है और उसी हथनौरा नामक स्थान पर जो नर्मदा संस्कृत के अंतर्गत है वहां पे विश्व की सबसे प्राचीनतम, भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम
हाथी का अवशेष मिला है। क्या मिला है? हाथी का अवशेष मिला है। उसके बाद जो तीसरी संस्कृत है, जो मद्रास संस्कृत है, जो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है, इसके बारे में थोड़ा अब जान लेते हैं। तमिलनाडु एक नदी बहती है, कोरतयाल नदी। कोरतयाल नदी, कोरतयाल नदी के अंतर्गत राबर्स ब्रुसफुट नामक पुरातत्ववेत्ता 13 जुलाई 1863 ईस्वी में जाते हैं। वहाँ पे जो मद्रास है, वहाँ मद्रास के अंतर्गत एक स्थान है पल्लवरम। पल्लवरम जाते हैं, वहाँ पे जब खोज करते हैं तो खोज के अंतर्गत उन्हें एक हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है। खोज जब करते हैं तो वहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद एक इनके मित्र हैं, मित्र इनके राबर्ट ब्रूसफुट के, विलियम किंग। वो बाद में फिर जाते हैं मद्रास में, एक स्थान पे जाते हैं जो स्थान है अतिरम पक्कम। एक स्थान है अतिरम पक्कम और दूसरा जो स्थान है बादमदुरई। यहाँ पे जाते हैं, जब वहाँ पे खुदाई करते हैं, खोज करते हैं, वहाँ से भी इन्हें हंडैक्स का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद अधिक संख्या में इस मद्रास संस्कृत के अंतर्गत हंडैक्स काफी मात्रा में मिला। हंडैक्स जब काफी मात्रा में मिला तो इस संस्कृत को हंडैक्स संस्कृत भी कहा गया। इस संस्कृत को हंडैक्स संस्कृत भी कहा गया। अगर हम इसके औजार की बात करें, औजार में एक क्लीवर है। क्लीवर एक आयताकार चौड़ा औजार होता था। जो क्लीवर है, आयताकार चौड़ा औजार होता था। इसके बाद क्लीवर को बिदाड़ी भी कहा गया। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण औजार है, स्क्रेपर है। स्क्रेपर अर्थात खुरचनी है। तो मित्रों, हम लोग यहाँ तक देख लिए। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे, ये तो निम्न एवं पूर्व पुरापाषाण काल, उसके बाद हम मध्य पुरापाषाण काल चर्चा करेंगे। तो अब मध्य पुरापाषाण काल के बाद हम लोग उच्च पुरापाषाण काल को देखेंगे।